लोकसभा के स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। कन्नौज सीट पर आज नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पर्चा भर दिया है, वहीं आज भाजपा की तरफ से सुब्रत पाठक ने भी पर्चा भरा है। नामांकन करने से पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी दो तस्वीरें शेयर भी की थी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अखिलेश ने पहली बार नामांकन किया था। वहीं अखिलेश के नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने कन्नौज में अखिलेश की एंट्री पर बड़ा सवाल उठाया और अखिलेश पर जमकर हमला बोला। सुब्रत पाठक ने इस चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच बता दिया। भाजपा सांसद और कन्नौज से प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव के आने से अब मैच भारत और पाकिस्तान की तरह दिलचस्प हो गया है, लेकिन ये तो तय है कि जीत भारत की ही होगी। सुब्रत पाठक ने कहा कि राम गोपाल यादव की पार्टी लूट और आतंकवाद को बढ़ावा देती है, इनकी सोच पाकिस्तानी है, ये लड़ाई कन्नौज और बाहरी की है, मैं कन्नौज का हूँ। तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं, माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पड़ते हैं, क्यों जाते हैं भैया? राम गोपाल यादव और उनकी पार्टी सांप्रदायिक जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये लूट आतंकवाद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। वहीं दूसरी तरफ सपा नेता राम गोपाल यादव ने भी सुब्रत पाठक के बयान पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि कन्नौज से पिछली बार जो जीता था वो उसकी फर्स्ट और लास्ट जीत होगी, उनके दिमाग का बोल्ट ढीला हो गया है और वो चुनाव लड़ने के ही लायक नहीं है। सर, समाजवादी पार्टी अब भी गढ़ है, जो जीत गया वो उसकी फर्स्ट और लास्ट जीत थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव की कन्नौज में एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एक तरफ सुब्रत पाठक है जिन्होंने डिंपल यादव को शिकस्त देकर जीत दर्ज कराई थी, तो वहीं दूसरी तरफ खुद सपा के मुखिया अखिलेश यादव हैं। हालांकि कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। साल 1998 से 2019 तक लगातार इस सीट पर सपा का कब्जा रहा। यहां से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव एक उपचुनाव को मिलाकर तीन बार अखिलेश यादव और डिंपल यादव सांसद रह चुकी हैं। लेकिन 2019 में बीजेपी ने सपा के गढ़ में जीत का परचम लहराया था। यहां से सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को चुनाव में हरा दिया था। बीजेपी ने इस बार भी कन्नौज से सुब्रत पाठक को ही टिकट दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव के आने से इस सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गयी है।